चोटा बैठा रखा कुर्सी के ऊपर, रोड की ठेकेदारी हर जगह ठेकेदारी मैनेज, वो शासन का अपमान, बेरोजगारी दूर, शिक्षा का महत्व, सब कुछ उखाड़ के फेंक देना है सारे चोर पार्टी को। पच्चीस में एनडीए बचेगी ना इंडिया बचेगी, जन चुनाव जाएगा। 74 का आंदोलन में जो करवट लिया था, यहाँ वही करवट ले रहा है। साहब चले जाएंगे झोला में पैक होके फिर रिटर्न। इस तरह से लालू जी अपना दौर में आए थे ना, इसी तरह प्रशांत जी का दौर है। युवा जितना लोग कह रहे हैं कि इस बार जन चुनाव लाना है 2025 में, क्वेश्चन कीजिए आप उनसे। क्यों लाना? इसलिए कि बिहार में 15 साल से बदहाली का रूप बना हुआ है। माहौल पूरे बिहार में सत्तारूढ़ी पार्टी और विपक्ष दोनों के खिलाफ है और प्रशांत जी की जनसुराज के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाल सिंह देख रहे हैं। पटना में भीड़ हो चुकी है, काफी भीड़ हो चुकी है। और देखिए जो लोग आ रहे हैं पैदल चल कर आ रहे हैं कई जिलों से। जनसुराज का आज स्थापना अधिवेशन है और आज पार्टी की घोषणा भी होगी। प्रशांत किशोर क्या कहेंगे आपको सुनाएंगे, लेकिन लोग जो आ रहे हैं बड़ी संख्या में वो क्या कह रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है पटना में, वो क्या कह रहे हैं, क्यों जनसुराज खुलाएंगे। बिहार में और भी तो पार्टियां हैं, सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं। आपको सभी की बात खुलवाते हैं। देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है, कतार लगा कर लोग खड़े हैं और अंदर जा रहे हैं, मैदान धीरे धीरे भरने लगा है। प्रशांत किशोर के जनसुराज के स्थापना अधिवेशन में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लंबी लंबी जो कतारें हैं, सड़कों पर चलते हुए आम लोग, आम आवाम, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मैदान पूरा अब भरने वाला है और तैयारी हो चुकी है। देखिए जो आम लोग हैं हम उनसे बात करेंगे, क्या तैयारी है। सारे पार्टी को उखाड़ के फेंकना है, सिर्फ जनसुराज, बेरोजगारी दूर, शिक्षा का महत्व, सब कुछ उखाड़ के फेंक देना है सारे चोर पार्टी को। मैं फौजी रमेश ठाकुर, उखाड़ के फेंकना है। सारा चोटा बैठा रखा है, सारा चोटा बैठा रखा कुर्सी के ऊपर, रोड की ठेकेदारी हर जगह ठेकेदारी मैनेज, कोर्टेशन का अपमान हर जगह हो रहा है। जो आम लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, आम आवाम क्या कह रही है, क्या लगता है प्रशांत किशोर की जनसुराज? जी जनसुराज बहुत अच्छे है, आप नेता है। कहाँ से है? हम भभुआ जिला से। जनसुराज कोई नेता थोड़ी, जनसुराज तो ये अभियान है। जी के साथ ही चलेंगे। जी देखिए जो आम लोग हैं वो क्या कह रहे हैं हम उनसे बात करेंगे, क्या तैयारी है। तैयारी आप यही समझ लीजिए, जबरदस्त तैयारी है। और पहले आपने सुना होगा कि पुड़वा चलता है, पड़वा पछिया चलता है, लेकिन आज के बाद से बिहार में बिंडोवा हवा चलेगा जिसमें तमाम राजनीतिक दल बह जाएगी। हवा चलेगा, बिंडोवा हवा चलेगा, वही हवा आपको कल से देखने को मिलेगा। बवंडर आएगी कल से प्यार। तैयारी है, पूरी पूरी तैयारी है। क्या लगता है चाचा, क्या हाल है? हाल है तो देखिए रहे हैं। हाल कहाँ से है? हम चुटिया बेलर से आए। कौन जिला में है? बांका जिला में है। तैयारी है, सब फॉर्म जो है इनके साथ तैयारी में है, तैयारी है। शांत किशोर क्या कर देंगे, जो कर दे मोदी जी, क्या किया, क्या किया मोदी जी हम लोग? बिहार में विपक्षी पार्टियां कहाँ किया, कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया है। नहीं किया। क्या क्या तैयारी है सर? बहुत अच्छी तैयारी है, आप देख ही रहे हैं कि जनता अपने से आ रही है। कितनी भीड़ आ रही है? लगभग 2.5-3 लाख भीड़ आएगी। 2.5 लाख। हाँ, नया बिहार की तैयारी हो रही है और होगी तो होगी, नए बिहार की तैयारी होगी तो होगी। आप लोग ही सुन रहे हैं, पोस्टर्स बैनर हर तरफ लगे हुए हैं और लोग क्या कर रहे हैं आप तक बातें पहुँचा रहे हैं। जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो कैसे कतारबद्ध होकर के जा रहे हैं, हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं रोड पर, जो आम लोग हैं, आम हैं, चल रहे हैं। क्या लगता है जनसुराज? क्या बोले? जनसुराज में भी क्या लगता है? बहुत ज्यादा कमाल होगा। कहाँ से हैं? हम वैशाली जिला महुआ प्रखंड से आए हैं, महुआ प्रखंड अध्यक्ष हैं हम। तो तैयारी पूरी है? क्या पूरी तैयारी है? पीला पीला ही, हर तरफ पीला पीला दिख रहा है। अगले चुनाव में देखिए खेला हो जाएगा। और भी तो पार्टियां ना, और भी पार्टियां हैं, लेकिन बिहार को अब बदलने की जरूरत है ना, इनको भी देना जरूरी है ना। देखिए जो आम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, क्या लगता है जनसुराज? बिहार में तो और भी पार्टियां ना, पार्टियां तो बहुत देख लिया उन लोगों ने, देख लिया 30 साल, नए आदमी को आना चाहिए ना। क्या जनसुराज क्या करेगा बाबा, क्या है, कहाँ आ गए हैं?
कहाँ गए? आए के लिए आए जन सुराज को देखने के लिए। नेता बढ़िया है जी, काम करेगा जी, काम करेगा ये काम करेगा। 2000 आदमी आए हैं मकसूद से बांका जिला से। क्या लगता क्या काम हुआ? लोग क्या कह रहे हैं हम आपको वो सुनवा रहे हैं, जो मुख्य बातें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए ये कतार जो है मैं पीछे बढ़ती ही जा रही है, आगे भी कतार पीछे भी कतार, और सड़कों पर चलते हुए लोग ये लहराते हुए झंडे। क्या लग रहा है प्रशांत जी? प्रशांत किशोर क्या कमाल करेंगे? एकदम कमाल करेंगे, 200 पार जाएंगे। हाँ कितनी हो रही है भीड़? आप लमसम 5 लाख के वो भी आदमी ये कुछ ज्यादा बोल। नहीं सर, आप पूरे इलाका घूम के आइए, जहाँ भी देखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज ही नजर आएंगे पूरे पटना में। पटना में जन स्वराज ही दिखेगा। देखिए लोगों क्या कहना है, आपको दिखा रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार जन स्वराज लाना है 2025 में। क्वेश्चन कीजिए आप। लाना इसलिए कि बिहार में 15 साल से बदहाली का रूप बना हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं है बिहार के अंदर। मैं प्रदीप भालूडिया पीरपैंती का रहने वाला, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जन स्वराज की भावना को लेकर के जो वृद्धा को 500-400 रुपये पेंशन मिलता है उसकी बढ़ोतरी 2000 रुपये होनी चाहिए। ये करेंगे आएंगे? हाँ ये बिल्कुल, ये पूरा पूरी उम्मीद है कि ये नया बिहार बनेगा। 15 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है बिहार के अंदर विकास। और हम लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनवा रहे हैं, खुद कह भी रहे हैं कि पूछिए हमसे सवाल, हम जवाब देना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ये अलग अलग रंग है, ये रैली नहीं है, ये अधिवेशन है, लेकिन जो लोग आए हुए हैं क्या लग रहा है, क्या बता रहे हैं? हम लोग सभी बनमनखी विधानसभा से आए हुए हैं, पूर्णिया से। पूर्णिया जिला माहौल है, माहौल पूरे बिहार में सत्तारूढ़ी पार्टी और विपक्ष दोनों के खिलाफ है, और प्रशांत जी की जनसुराज के साथ है। प्रशांत जी की जनसुराज कितना कम? 2025 में प्रशांत जी बिहार में सरकार बनाने जा रही है, और 25 में और आरजेडी बीजेपी ये लोग खत्म हो चुके का है। साथ चले जाएंगे झोला में पैक होके फिर रिटर्न। इस तरह से लालू जी अपना दौर में आए थे ना, इसी तरह प्रशांत जी का दौर है। युवा कितना सीएम का बेटा नमी फैल क्या करेगा बताइए, सब तो उनको बोल रहे हैं नमी फैल। अभी कहीं जाते तो कभी बाढ़ पीड़ित इलाका में कभी गए हैं? अभी बाढ़ पीड़ित इलाका में जाकर देखें क्या पोजिशन है अभी। आम लोग क्या कर रहे हैं? क्या रहता है? अच्छा, क्या हाल है? ठीक है। और भी लोग तो हैं पार्टियां, और भी स्वराज क्या भारी पड़ेगी? सबसे भारी पड़ेगी। और पार्टी विगत 30-40 वर्षों से जनता को ठगने का काम की है, इसीलिए अब नहीं हुआ है बिहार में। बिहार में काम हुआ है, करप्शन के साथ काम हुआ है, और जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ और आप 60 रुपये का मुझे सामान देंगे, तो 40 रुपये का हिसाब मांगने का मुझे अधिकार है कि नहीं है? 300 रुपये भरोसा हो रहा है? हाँ पूरा भरोसा है। पटना का लोग तो कुछ किए इनके विचारधारा पे सभी लोग चल रहे हैं, हम लोग उनके विचारधारा पर ही रहेंगे, और हम लोग सरकार बनाने में पूरा प्रयास करेंगे। हर हाल में सरकार बनेगी प्रशांत किशोर की, ये सब लालू नीतीश ये सब का बीजेपी का किसी का चलने वाला नहीं है, कोई दल का नहीं चलेगा। ये लोग सब ठकने का काम कर रहे हैं, बस सरकार बनने तक सभी लोग को पूछते हैं, उनके बाद किन्हीं को नहीं पूछा जाता है, बने तक ही पूछा जाता है। और लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले कि लाइव टीवी का वीडियो बहुत देखते हैं, लाइव टीवी का सब जो भी वीडियो होता है ना सब हम वीडियो देखते हैं इनका। तो लोग क्या कह रहे हैं देख रहे हैं, ये लोगों का प्रेम है, लोगों का विश्वास है जो आ रहा है। और देखिए जत्थे दर जत्था जो है वो लोगों का जन स्वराज के साथ आ रहा है। हम लोगों से बात करेंगे, क्या तैयारी? पूरी तैयारी है पूरे बिहार के जन स्वराज के जितना कार्यकर्ता सर आप। हम सुपौल से हैं, मधुबनी से हैं, हम साथी हम लोग आए हुए हैं। जन स्वराज की सरकार है, जन स्वराज का 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार है। बाकी पार्टी लोग हैं जेडीयू बीजेपी आरजेडी, जितना पार्टी बाकी पाके किसी का जमानत भी नहीं होगा, सहयोग रहन है। इसी तरह तो हम लोगों का मेहनत काम आएगा 25 में। 74 का आंदोलन याद है ना, 74 का आंदोलन में जो करवट लिया था यहाँ वही करवट ले रहा है, बिल्कुल पूरे साफ हो गया पूरे का। 25 में ना NDA बचेगी ना इंडिया बचेगी, जन स्वराज आएगी। जन स्वराज आएगी, क्या लोगों का कहना है वो आपको सुना रहे हैं। कैसे जो जत्थे के जत्थे लोग हैं वो पहुंच रहे हैं पटना के बेटनी मैदान के बाहर, तस्वीर को दिखा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक कर, धन्यवाद।